नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। दोस्तों, छठ महापर्व की छठा बिहार में देखते बनती है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें महिलाएं बहुतायत संख्या में इस पर्व को मनाती हैं। लेकिन बिहार के एक ऐसे गांव का जिक्र हम आपको इस वीडियो में करने जा रहे हैं जिसे जानकर और सुनकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। शायद ये एक अनूठी परंपरा है। जिस छठ व्रत को बहुतायत महिलाएं करती हैं, उसे यहाँ पुरुष करते हैं। कारण भी भावुक कर देने वाला है। गांव घर की बेटियों की जिंदगी और खुशहाली के लिए पुरुष बिहार के इस गांव में व्रत करते हैं। बात बिहार के कटोरिया प्रखंड के भोरसार स्थित पिपराडीह गांव की हो रही है। हाल के वर्षों में दूसरे गांवों से ब्याह कर आई बहुओं ने भी यहां छठ व्रत करना शुरू किया है, लेकिन व्रत करने वाले पुरुषों की संख्या अधिक है। इस गाँव में ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। किसी को ये ठीक से पता नहीं है कि कितने समय से आस्था से जुड़ा ये परंपरा चल रहा है। पड़ोस की गांव की वृद्धा ने बताया कि उन्हें उनकी सास ने इस बारे में बताया था। किसी समय पिपराडीह गांव में किसी के घर लड़की पैदा होने पर उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस कारण यहां लड़कियों की संख्या कम होने लगी। लोग परेशान थे। काफी वैद्य हकीम का सहारा लिया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब गाँव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पहुँचने पर ग्रामीणों ने उनसे समाधान पूछा। उन्होंने पुरुषों को छठ करने की सलाह दी। तब से ये परंपरा अनवरत जारी है। ग्रामीणों के अनुसार इसके बाद से गांव में लड़कियों के ऊपर आया संकट भी समाप्त हो गया। अभी 1000 की आबादी वाले पिपराडीह गांव में 100 से अधिक पुरुष छठ व्रत करते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि वे लोग पिछले 20 वर्षों से छठ कर रहे हैं। इसमें महिलाओं का भी सहयोग रहता है। एक शख्स ने बताया कि वे लगभग 1985 से व्रत कर रहे हैं। ये भी बताया कि जब तक गांव आबाद रहेगा, पुरुष यहां छठ करते रहेंगे। पंचायत के निवर्तमान मुखिया ने बताया कि यहां पुरुष वर्ग द्वारा छठ पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। लोगों का मानना है कि छठ मैया का व्रत करने से कल्याण होता है। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक यहां सिर्फ पुरुष ही छठ करते थे। गाँव के पुरुष सदस्य मानते हैं कि यदि वे छठ करेंगे तो उनकी बेटियों के ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा। इन्होंने बताया कि आम तौर पर छठ मैया से लोग बेटा मांगते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बेटियों के लिए ये काम करते हैं। इस कारण उनके नाते रिश्तेदारों को भी आश्चर्य होता है। बताया गया कि प्रसाद आदि बनाने में महिलाएं सहयोग करती हैं। व्रत करने वाले पुरुषों ने बताया कि पूर्वजों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी और इसका निर्वाह करने में एक विशेष आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। शुरू में तो महिलाओं के बदले पुरुष ही छठ करते थे। अब गांव की कुछ महिलाओं ने भी ये व्रत और अनुष्ठान शुरू किया है, लेकिन इससे व्रत करने वाले पुरुषों की संख्या में कोई भी कमी नहीं आई है। बात हो रही है बिहार के एक ऐसे गांव की जहां पर छठ पूजा की एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। आप जानते हैं कि छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो महिलाएं आमतौर पर करती हैं, ज्यादा संख्या में करती हैं, हालांकि पुरुष भी करते हैं। लेकिन बिहार के जिस गांव का जिक्र हमने आपके सामने इस वीडियो में किया है, वहां पर महिलाओं से कहीं ज्यादा अधिक संख्या में पुरुष छठ पूजा करते हैं और इसके पीछे का कारण भी आप जान चुके हैं। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।